गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास इलेवेंथ नेम इज शीतल मैम फ्रॉम मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर एसपुरा ना इलेवेंथ क्लास टोटली वैसे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड, बट तब भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ पोर्शन रहता है उसको मैं कवर करवा रही हूँ बच्चा फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर थर्ड ऑन्टरप्रनोरशिप में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में द मीनिंग ऑफ ऑन्टरशिप डेफिनेशन ऑफ ऑनटरप्रनोरशिप एंड द करेक्टरप्रोरशिप करना मीनिंग एंड डिफाइन मैंने आपको कवर करवाया है देन आज आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा ठीक है नाउ अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑंटरप्रोरशिप ठीक है नाउ तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्टरप्रनीरशिप अगर हम ऑन्टरप्रनीोरशिप के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमने अगर मैं बताऊं कि ऑन्टरप्रन्योर कौन है दैट इज़ अ रिस्क बेयर जो पर्सन रिस्क लेता है दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करता है दैट इज़ एन इनोवेटर दैट इज एज एन इनोवेटर भी हम उसे कह सकते हैं क्योंकि वही सब इनोवेशन करता है ठीक है नौ no. नेक्स्ट ऑनटरप्रनोरशिप क्या हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनटरप्रोर क्या है ऑनटरप्रोर एक पर्सन है उसको हम कह सकते हैं एज एन रिस्क बेयरर भी हो सकता है वो वो एज एन ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है और एज एन इनोवेटर भी हो सकता है वैसे ही ऑनटरप्रोरशिप क्या है ऑनटरप्रोरशिप इज रिलेटिंग टू कोऑर्डिनेशन इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द दर एंड अ सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस ये एक सिस्टम है ऑनप्रोरशिप एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप न्यू बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो नाउ रेफर टू दस एक्टिविटीज एंड डन फॉर एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज आप एक न्यू एंटरप्राइज को कैसे ऑपरेट करते हो एक न्यू एंटरप्राइज को कैसे चलाते हो ये सब चीजें ऑन्टरप्रनोरशिप के अंदर क्लियर की जाती हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ ऑन्टरप्रोन्योर हम एज एन रिस्क बेयर भी कह सकते हैं ऑनटरप्रोर एज एन ऑर्गेनाइजर uh, भी, भी हो सकता है ऑन्टरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर भी हो सकता है बट ऑनटरप्रनीरशिप क्या है दैट इज़ ऑन्टरप्रनीरशिप इज़ रिलेटेड टू अ कोऑर्डिनेशन इनोवेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑन्टरप्र्यूर ठीक है नाउ ए सिस्टम ऑफ क्रिएश क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस एक आप न्यू बिजनेस को क्रिएट करते हैं रेफर टू वेरियस एक्टिविटीज इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हम एक एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए एक एंटरप्राइज को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं ठीक है ना जैसे आप इस स्लाइड में देखिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्ट्रिन्यशिप के अंदर दैट इज एन ऑनटरप्रीनियोरशिप इज एन इनोवेशन इनोवेटिव फंक्शन इट इज अ लीडरशिप रैदर देन एन ऑनरशिप एंड द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ठीक है तो दैट मीन्स ऑन्टरप्रन्यरशिप क्या है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें आप न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं जिसमें आप नई मार्केट को स्टार्टअप करते हैं और ओपन करते हैं देन द न्यू सोर्सेज नए नए सोर्सेज लेकर आते हैं फॉर सप्लाइंग ऑफ एन रॉ मटीरियल ये देखिए बच्चा नेक्स्ट स्लाइड में आप दैट इज़ एन ऑनटरप्र्यूर इज़ एन इनोवेशन नॉलेज होनी चाहिए ये यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ये कुछ चीज़ें हैं इन चीज़ों को देखिए जैसे लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ऑनटरप्रनीरशिप के अंदर ठीक है रिस्क टॉलरेंस की क्वालिटी होनी चाहिए ऑन्टरप्रीनोरशिप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी टीम स्पिरिट दैट मीन्स अ टीम दैट इज अ टीम स्पिरिट होनी चाहिए देन प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड देन आपने फिर कैसे बिजनेस को आगे लेकर जाना है देन इनोवेशन इनोवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए देन आ जाता है कि आपने अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाना है ये सब चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए एक ऑन्टरप्रन्योर के अंदर ठीक है नौ बच्चा वट इज़ एन ऑंटरप्रनोरशिप ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं और मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को हर एक पर्सन ये कहता है एवरी वन इन द यूनाइटेड स्टेट इज फ्रीड फॉर स्टार्टिंग ओन एंड ओन बिजनेस दैट मीन्स आप कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं तो ऑनटरप्रन्योर एक ऐसा पर्सन हुआ जो ऑर्गेनाइज करता है जो मैनेज करता है और जो रिस्क को लेता है खुद अपने मतलब अपने सिर पर आपने सारा रिस्क लेना है सब कुछ लेना है और फिर जा कर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है तो ये आपके आगे आ जाता है ऑन्टरप्रन्योरशिप मैंने आपको थोड़े थो छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं बार बार ऑन्टरप्रनोरशिप के तो दैट मीन्स एन ऑन्टरप्रनियोरशिप इज एन एबिलिटी टू मेक अ प्रॉफिट दैट मीन्स ऑन्टरप्रीनियोरशिप हम सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं ऑन्टरप्रनोरशिप इज अ प्रोसेस ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको शो कर रही हूँ दैट इज़ एन ऑन्टरप्रीनोरशिप क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है ठीक है अब हम इसके बाद करेंगे दैट इज अ फीचर्स ऑफ ऑन्टरप्रनोरशिप दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन्ट्रनोरशिप ठीक है

एंड विद्प ऑफ एड प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न अट आपके कस्टमर सेटिस्फाई हैं देन ईजली टू अर्न अ प्रॉफिट नाउ इनोवेशन आपको ये पहले करवाया हुआ मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ नाउ द इनोवेशन क्या होती है इनोवेशन दैट मीन्स हर एक ऑन्टरप्रन्य के अंदर इनोवेशन प्रॉप uh, मतलब इमेजिनेटिव और इनोवेटिव क्वालिटी होनी चाहिए दैट इज़ इनोवेशन क्या है एक प्रोसेस है जिसमें हम नई चीज़ों को देखते हैं इनोवेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑन्टरप्रन्योर क्या करता है वो एक न्यू वेल्थ को प्रोड्यूस करता है रिसोर्स को और जो अपने पुराने रिसोर्स होते हैं उसको नए में uh, मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कुछ नया करने की कोशिश करता है नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी क्या होती है ऑन्टरप्रनीर की एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑन्टरप्रनीरशिप का और ऑंटरप्रनीर क्या करता है इसमें डिसीजन लेता है किससे रिगार्डिंग रिगार्डिंग रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज ये डिसाइड करता है बिजनेस के अंदर कि हमने क्या करना है कैसे करना है ठीक है तो ऑनटरप्रो सिंपली वर्ड्स में कहा जाए कि कुछ भी कल हो सकता है अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकता है तो उसे उस टाइम भी डिसीजन लेना पड़ता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दैट इज द फंक्शंस ऑफ हाई अचीवमेंट एक फंक्शन है हाई अचीवमेंट का दैट मीन्स पीपल क्या करता है कि हर किसी की बड़ी बड़ी जरूरतें होती है बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स होती है क्या मुझे ये चीज़ अचीव करनी है ठीक है तो ये सब चीजें द सक्सेस एंड ऑन्टोर द अचीवमेंट मूव्स टू रेटिव एंड टू स्टेबल ऑफ प्रॉफिट इज मेनली मेजर ऑफ सक्सेस तो दैट मीन्स द हाई अचीवमेंट नेक्स्ट आया था फिफ्थ पॉइंट दैट इज अ मैनेजीरियल स्किल मैनेजीरियल स्किल मैनेजीरियल मैनेजमेंट का फंक्शन है दैट इज मैन मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग दीज आर दी मैनेजमेंट फंक्शन बच्चा मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाती हूँ और अभी आपने मेरे फेस टू फेस लेक्चर्स नहीं देखे हैं मैं उसमें भी स्पीड में करवाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्पीड में जब हम प्रॉपरली तरीके से देखें तो बच्चे का कंसंट्रेशन बना रहता है ठीक है तो मेरे को थोड़ी सी आदत है ये और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बच्चा मुझे आप बता दीजिएगा फीडबैक में नौ मैनेजरियल स्किल्स में क्या होता है कि जो ऑन्टरप्रन्योर है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ये सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है देन ऑन्टप्रोरशिप की कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए ठीक है पर उसके अंदर रिस्क और अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व रहती है तो ऑनटरप्रनीर क्या करता है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए स्किल्स होनी चाहिए इन सभी चीज़ों को मैनेज करने की नेक्स्ट आता है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी रिस्क जो है आपको पता ही है कि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो है ये ज़रूरी है दैट मीन्स एन इज़ अ रिस्क बेयर ठीक है कोई भी काम करना है न्यू एंटरप्राइज़ को स्टार्टअप करना है तो रिस्क तो होना चाहिए तो अगर आपने ऑनटरपन्योर के अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए क्योंकि बड़ी सारी सिचुएशंस आते हैं और बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम अपने कॉम्पटिशन को इंक्रीज़ करना है हमने कस्टमर की ज़रूरतों को बदलना है हमने टेस्ट को बदलना है हमने रॉ मटेरियल को देखना है और हमने गवर्नमेंट uh, पॉलिसीज़ को देखना है हमने टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आती ही आती हैं नाउ बच्चा आपने सिक्स पॉइंट्स करने हैं टोटली totally, और ये यहाँ तक सफिशेंट है